थाना गीता कॉलोनी अंतर्गत रानी गार्डन के रहने वाले रामेश्वर की रात में हुई स्कूटी चोरी। आप देख सकते हैं कि आए दिन पूर्वी दिल्ली नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर चोरों का डर खत्म हो चुका है। दिन ब दिन वारदात का अंजाम दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम बता दें कि गाड़ियों की चोरी, स्नैचिंग की वारदातें ज़्यादा बढ़ गई है। कारण है कि जो लॉकडाउन के अंदर कोरोना के चक्कर में जो पेरोल पे छोड़े गए हैं उनका आतंक बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे ही मामला देखने को मिला रानी गार्डन में। हम बता दें कि रामेश्वर नाम का एक व्यक्ति है जो एक परचून की दुकान चलाता है। कल रात दुकान बंद करके स्कूटी वहीं खड़ी थी। जब वो सुबह आज पहुंचे 5 बजे करीब तो देखा तो वहां स्कूटी नहीं थी। हर जगह तलाश किया मगर नहीं थी, क्योंकि उनके पास गाड़ी के कागज़, गाड़ी की चाबियां भी उनके पास थी। हालांकि उन्होंने FIR ऑनलाइन रजिस्टर कराई है। मामला गीता कॉलोनी में दर्ज हुआ है। जब हमने रामेश्वर से पूछा तो उनका कहना था कि हमने ऑनलाइन तो FIR करा रही है, मगर पुलिस का कहना है कि हम पहले वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही मामला की छानबीन करेंगे। ऐसे ही आप लगा सकते हैं कि कितने ही लोग हैं जो लगातार ग्राफ्स बढ़ता जा रहा है चोरियों का, मगर पुलिस नाकाम रही इनको पकड़ने में। रात को शॉप बंद करके मेरे फादर वहाँ पे घर पे गए। सुबह मॉर्निंग 5 बजे देखा तो स्कूटी नहीं थी वहाँ। 10:30 बजे रात। अच्छा, कब पता चला आपको? सुबह 5 बजे। कोई पुलिस को कंप्लेंट कॉल करी थी 2 बार, कोई आया नहीं। फिर मैं थाने गया, वहाँ पे ऑनलाइन ही करवाया, ऑनलाइन करी थी। पुलिस वाले नहीं आए? पुलिस वाले नहीं आए। क्या चाहते हैं, बस स्कूटी मिल जाए तो ठीक, नहीं तो मिलती तो है नहीं, चोरी होगी। मिलती कहाँ? स्कूटी पे कहीं कोई वजह से आजकल वारदात हो रही है, उसमें कोई यूज होगा फिर सर। इसीलिए तो मैंने कंप्लेंट करा दी कि कल को कोई गाड़ी पे वारदात कर दे हम तो फंस जाएंगे।